राजनांदगांव में शहर के बीचों बीच ओवर ब्रिज के नीचे करोड़ों की लागत से बना गार्डन और लाइटिंग नगर निगम की लापरवाही की शिकार हो रही है। ब्रिज के नीचे बनी पेंटिंग धूल खाती हुई नजर आ रही है और रात के लिए लगाई गई रंग बिरंगी लाइटिंग भी बंद पड़ी हुई है। पूर्व महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में ना तो कोई नया प्रोजेक्ट आया और ना ही शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर कोई काम किया गया है। पिछले कार्यकाल में हुए कार्यों का रखरखाव भी सही ढंग से नहीं किया जा रहा। वहीं महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि लाइटिंग का काम जिस एजेंसी को दिया गया था उसने लापरवाही बरती है, आगे ऐसी दिक्कतें आती हैं तो संबंधित एजेंसी को बदला जाएगा। इसका विकास लगभग 1.5 साल से रुका हुआ है जब से कांग्रेस की सरकार आई है और ना ही कोई नया प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। पुराने जो प्रोजेक्ट काम चल रहे थे उसके लिए पैसे नहीं है, इंस्टॉलमेंट जो आने चाहिए वो इंस्टॉलमेंट नहीं आ पा रहे हैं। एक तरीके से पूरा शहर का विकास, पूरे जिले का विकास पड़ा हुआ है। ये पूर्व कार्यकाल में किया हुआ काम है और किसी को ठेके में दे दिया गया, किसी एजेंसी को दिया गया था। मेंटेनेंस करना उनकी जिम्मेदारी थी, कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई है। ये जानकारी मिलने पर उनको नोटिस देने की कार्रवाई की गई है। और रही बात गार्डन की है तो गार्डन, एक गार्डन को अशोक बिल्ड का मेंटेन करता है और एक गार्डन को नगर निगम करता है, तो वो खैर प्रो तो प्रॉपर हो रहा है गार्डन का, लाइटों की दिक्कत है तो उनको नोटिस दी गई है और बहुत जल्दी इसको दुरुस्त करा दिया जाएगा अगर काम में लापरवाही बढ़ती गई तो एजेंसी।